पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के कई मसले मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। सवाल उठता है आखिर क्यों, लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजों जस्टिस रंजन गोगोई और मदन लोकुर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को खत लिखकर सर्वोच्च न्यायालय की भविष्य और संस्थागत मसलों पर चर्चा के लिए फुल कोर्ट बुलाने की मांग की है। ये खत ऐसे समय के बाद लिखा गया है जब कांग्रेस सहित 7 राजनीतिक दलों के सांसदों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, जिसको राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार फुल कोर्ट का मतलब होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का मतलब होता है कि जब सभी जज आपस में बैठकर न्यायपालिका से जुड़े गंभीर मसलों पर चर्चा करते हैं। आमतौर पर ऐसी बैठक चीफ जस्टिस बुलाते हैं, लेकिन इस बार ये बैठक बुलाने की मांग सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जज कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि फुल कोर्ट बुलाने की मांग को मान लिया गया है या नहीं। हालांकि कुछ समय पहले कॉलेजियम के दो सीनियर मोस्ट जजों ने खत लिखकर चीफ जस्टिस से कहा था कि सरकार द्वारा न्यायपालिका में हस्तक्षेप को रोकने के लिए सभी जजों की मदद ली जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस चेलमेश्वर ने सभी जजों को खत लिखकर कहा था कि जजों की नियुक्ति में सरकार की दखलंदाजी पर फुल कोर्ट में बहस हो। हालांकि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया था। माना जा रहा है कि यह खत सरकार की तरफ से कर्नाटक के एक जज के खिलाफ जांच कराने के बाद लिखा गया था, जिस जज को कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में तैनाती की सिफारिश दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा रस्साकशी कब खत्म होगा, क्योंकि बात देश की सबसे बड़ी संस्था और न्याय की मंदिर का है, जिस पर करोड़ों लोगों का आस्था बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।